हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीकानेर में शनिवार शाम 5 बजे से लेकर रविवार दोपहर करीबन 2 बजे तक हुई बारिश ने पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीकानेर में 21 घंटे में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लंबे अंतराल के बाद बीकानेर में हुई जोरदार बारिश की वजह से जहां व्यवस्थाएं पानी पानी हो गई, श्री कोलायत क्षेत्र के अक्कासर, भोलासर और मेघासर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। पानी के तेज बहाव के साथ फसलें पानी में बह गईं। शहर और गांव में कई स्थानों पर मकान ढह गए और कई स्थानों पर दीवारें धाराशील हो गईं। निचले हिस्सों में पानी भरने से पीडीएम चिकित्सालय सहित अनेक सरकारी कार्यालय, घर और मकानें पानी से गिर गए। लोग दिन भर घरों से पानी बाहर निकालने में जुटे रहे। शनिवार शाम के बाद शुरू हुई बारिश ने श्री कोलायत और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव में कहर भर पाया। श्री कोलायत में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मिट्टी का कटाव करते हुए खेतों में खड़ी फसलों को अपने साथ बहा ले गई। अकासर सरपंच प्रभुराम गोदारा ने बताया कि बारिश के पानी ने करीब 100 एकड़ जमीन में खड़ी फसलों को डुबा दिया। यहाँ तक कि इसका सिलसिला नहीं थमा और पानी अकासर की सीमा से होता हुआ भोलासर और उसके बाद मेघासर गांव तक पहुंच गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि प्रशासन को इत्तला देने के बावजूद रविवार शाम तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि जिला कलेक्टर डॉक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि कई पुराने मकान जिनमें लोग रहते नहीं थे क्षतिग्रस्त हुए हैं, वे गिरे नहीं हैं। रात को ही तहसीलदार मौके पर पहुंच गए थे। फसलों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करवाया जाएगा। बीकानेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।